नमस्कार, रेखा कुमार्स किचन में आपका स्वागत है। दही या छाछ खाना तो सभी को पसंद होता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। तो क्यों ना हम आज दही से एक ऐसी रेसिपी बनाएं जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी हो और इसे बनाना भी आसान हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2 कप पोहा लेंगे और इसे एक छन्नी में डाल देंगे। अब हम इसमें पानी डाल करके इसे एक बार अच्छे से धो लेंगे। मैंने इसे छन्नी में इसलिए डाला है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है। इसे हाथ से अच्छे से मसल करके धो लेंगे और इसे चम्मच से दबा करके इसका सारा पानी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने पोहे का सारा पानी निकाल लिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से रख देंगे और उसके बाद जो ये पोहे हैं बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए, पोहे अच्छे से खिले खिले से हो गए हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, चुटकी भर हींग, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप के करीब चावल का आटा, लेकिन पहले मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी। पहले इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इन्हें मिलाते हुए मैंने यहाँ पर 1/4 कप के करीब सारा चावल का आटा डाल दिया है। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें धनिया डाल देंगे और यहाँ पर मैंने 1/2 कप दही लिया है। ये दही इसमें डाल देंगे। दही थोड़ा खट्टा होना चाहिए। और इन्हें मिलाते हुए हम यहाँ पर एक डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर ये डो थोड़ा सा टाइट लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा दही और डाल रही हूँ। दही डाल करके हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और डो हमारा तैयार हो चुका है। अब हम हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसमें से एक छोटा सा हिस्सा लेंगे नींबू के आकार का और पहले इसे एक गोल शेप दे देंगे। आप इस नाश्ते को दही की बजाय छाछ से भी बना सकते हैं। इसके बाद हल्का सा प्रेस कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम इसे प्रेस कर लेंगे और बीच में होल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने एक बेज बना करके रेडी कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में हम फ्राई नहीं करेंगे। हम इन्हें मीडियम आंच पर ही फ्राई करेंगे और जब एक तरफ से इनका कलर चेंज हो जाए तब हम इन्हें पलट लेंगे और उलट पुलट करते हुए हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। कुछ ही देर में आप देखिए इनका कलर चेंज हो गया है और ये बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं। तो बस अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और इन्हें निकाल लेते हैं। और एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। यदि आप चाहें तो इस डो को पहले ही तैयार करके रख दीजिए रात को ही, और सुबह बच्चों के टिफिन में फटाफट से बना करके रख सकते हैं। ये नाश्ता टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमने दही का यूज़ किया है। इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए, दही और पोहे से बनने वाला यह नाश्ता तैयार है। आप इसे फ्राई हरी मिर्ची
या सॉस के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये ऊपर से आपको जितने क्रिस्पी लग रहे हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं, ये देखिए। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइए, आपको पसंद आएगी। और यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।